हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लैग्रैन्ज इंटरपोलेशन फार्मूला। फ्रेंड्स, ये जो फार्मूला होता है ये समान एवं असमान अंतराल दोनों के लिए होता है। लैग्रैन्ज इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल एंड इनइक्वल डिफरेंस। फ्रेंड्स, जो ये फॉर्मूला होता है दोनों पे हमारे जो हमारे पास डिफरेंस है वो इक्वल हो या इक्वल नहीं हो, दोनों कंडीशन में उसको यूज कर सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास, फॉर्मूला ये होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू एक्स जीरो माइनस एक्स एन एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो। इस कंडीशन में इस बार हमने एक्स माइनस एक्स वन को छोड़ देना है फ्रेंड्स, तो x माइनस एक्स वन को छोड़ दे तो x माइनस एक्स टू फिर x माइनस एक्स थ्री आएगा, उसके बाद चलते हुए x माइनस एक्स एन आएगा अपॉन x वन। इस बार x वन माइनस होगा x जीरो, x वन अपॉन x माइनस वन नहीं करेंगे तो x वन माइनस एक्स टू डॉट डॉट x वन माइनस एक्स एन एंड यहाँ पे होगा एफ एक्स वन। फ्रेंड्स, इसी तरह से चलता हुआ फ्रेंड्स ये लास्ट टर्म होगी वो होगी इसकी x माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन और लास्ट की टर्म वो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन यहाँ होगा एक्स एन माइनस एक्स जीरो एक्स एन माइनस एक्स वन और चलते हुए एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ, इसको प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, कोई एक फंक्शन मानना होगा, एक फंक्शन मानना होगा जो कि एन घात का फंक्शन होगा। लेट एफ इज अ फंक्शन ऑफ एंथ ऑर्डर। फिर जब फंक्शन अपना एंथ ऑर्डर का है तो उसको इस कंडीशन में हम उसको इस तरह शो कर सकते हैं, एफ एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं कि ए जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, यहाँ पर हमने एक्स माइनस एक्स जीरो नहीं लिखा फ्रेंड्स, ये चलते हुए एक्स माइनस एक्स एन प्लस ए वन, यहाँ पर हमें एक्स माइनस एक्स जीरो चालू करना है लेकिन एक्स माइनस एक्स वन नहीं लिखना है, एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन प्लस चलते हुए फ्रेंड्स जो लास्ट का पद होगा वो होगा अपना ए एन एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन और चलते हुए एक्स माइनस एक्स एन। फ्रेंड्स, ये हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया है जहाँ पे वेयर ए जीरो ए वन ए टू डॉट डॉट जो ए एन तक सोन ए एन तक हैं आर कॉन्स्टेंट। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये इस फॉर जो हमारे पास ये फंक्शन है और हम इस फंक्शन से हमें ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करानी है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स इफ वी पुट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो उस कंडीशन में ये हो जाएगा अपने पास एफ एक्स जीरो, तो ये हो जाएगा एफ एक्स जीरो इक्वल टू ये हो जाएगा ए जीरो, इनमें यहाँ से भी ये फर्क पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू ये चलते हुए एक्स जीरो माइनस एक्स एन। अब फिर अगर एक्स इसमें यहाँ पे इस टर्म में हम रखें एक्स बराबर एक्स जीरो तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इस कंडीशन से, बाकी टर्म में भी एक्स माइनस एक्स जीरो आएगा तो वो भी जीरो हो जाएंगे, सोन सभी जीरो हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास। तो फिर ये जीरो बराबर आ गया एफ एक्स जीरो अपॉन ये एक्स जीरो माइनस एक्स वन, क्योंकि ए जीरो बराबर निकाल रहे हैं तो एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स जीरो माइनस एक्स एन ये हो गया फ्रेंड्स। अब नाउ
इफ एक्स बराबर एक्स वन पुट करें। अब एक्स बराबर एक्स वन पुट करेंगे फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स बराबर एक्स वन से ये एक्स वन माइनस एक्स वन हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें कहीं यहाँ पे एक्स वन नहीं है, तो ये नहीं, ये जीरो नहीं होगी, बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास, और जो एफ एक्स होगा एफ एक्स वन हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स वन इक्वल टू ए वन एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स वन माइनस एक्स एन। या फिर ए वन बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वो आएगा ए वन इक्वल टू एफ एक्स वन अपोन एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स वन माइनस एक्स एन, ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी तरह हम ए एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए एन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एफ एक्स एन अपोन एक्स एन माइनस एक्स जीरो एक्स एन माइनस एक्स वन डॉट डॉट चलते हुए एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर इसमें हम एक्स बराबर एक्स एक्स एन पुट करें तो ये तो एफ एक्स एन हो जाएगा, बाकी ये टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स माइनस एक्स एन आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एन। ये टर्म ही लास्ट टर्म ऐसी है जिसमें एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन आएगा। हाँ ये तो वही है अपने पास, हाँ एक्स एन माइनस वन है, तो उस कंडीशन में ये जीरो नहीं होगी, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो ए एन बराबर ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास। अब हमारे पास जो ए वन हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, ए जीरो की वैल्यू आ चुकी है, ए वन की वैल्यू आ चुकी है, और इसी तरह हमें ए एन की वैल्यू आ चुकी है। अगर ये सभी वैल्यू हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर लें, इसमें जो हमने फंक्शन माना है इसमें हम पुट कर दें, तो ये यहाँ पे ए जीरो की जगह क्या होगा हमारे पास, एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स जीरो माइनस एक्स एन। इसी तरह ए वन की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो आ जाएगा एफ एक्स बराबर, यहाँ पे हमने पहले ए जीरो की वैल्यू पुट कर दी, ए जीरो वैल्यू ये है अपने पास, तो ये पुट कर दी तो ये हो जाएगा एफ एक्स जीरो अपॉन, और साथ में यहाँ पे क्या है ए जीरो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स जीरो माइनस एक्स एन प्लस। अब फिर ए वन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो ए वन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले तो ये मल्टीप्लाई में लिख देते हैं एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन, ये लिख देते हैं टू एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन। अब ए वन की वैल्यू पुट करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स वन और डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स वन माइनस एक्स एन प्लस। इसी तरह फ्रेंड पुट करते हुए हम सारी वैल्यू जब लास्ट में ए एन की वैल्यू पुट करते हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन। अब जो फ्रेंड्स ए एन की वैल्यू है वो है अपने पास एक्स एफ एक्स एन अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो सॉरी एक्स एन माइनस एक्स जीरो एक्स एन माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, ये आ गया फ्रेंड्स जो कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो के इक्वल है, जो हमारे पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। फ्रेंड्स अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि लैग्रांज फॉर्म से, फाइंड द फॉर्म ऑफ फंक्शन गिवन बाय द फॉलोइंग डाटा। ये अपने पास एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक्स की वैल्यू दी हुई है और उस पर फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, फंक्शन एक्स की वैल्यू थ्री पे फंक्शन की वैल्यू थ्री है, टू पे ट्वेल्व है, वन पे फिफ्टीन है, माइनस वन पे माइनस ट्वेंटी वन है, ये हमारे पास फिर वैल्यू दी हुई है। अब इस पर हमें फंक्शन याद करना है कि कौन सा फंक्शन था जिस पे जिसमें हमें ये वैल्यू पुट करने पे ये हमारे पास जिसमें पुट करने पे एक्स वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू आई है, हमें वो फंक्शन निकालना है। फिर वो फंक्शन निकालना है मतलब कि हमें एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स सोल्यूशन करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन के लिए हमें फ्रेंड्स यहाँ पे इस जैसे इसको हम एक्स वन दे लें, इसको एक्स टू दे लें, एक्स थ्री एक्स फोर, तो एफ एक्स वन ये रहा, एफ एक्स टू ये रहा, एफ एक्स थ्री ये रहा, एफ एक्स फोर ये रहा। अब जैसे हम एक्स वन इक्वल टू थ्री, एक्स टू इक्वल टू टू, एक्स थ्री इक्वल टू वन, एक्स फोर इक्वल टू माइनस वन, देन एफ एक्स वन इक्वल टू थ्री, एफ एक्स टू इक्वल टू ट्वेल्व, एफ एक्स थ्री इक्वल टू फिफ्टीन, एफ एट एक्स फोर इक्वल टू माइनस वन,
ये हमारे पास फ्रेंड्स वैल्यू है। और जो लैग्रेंज फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स बराबर होता है एक्स माइनस, हमने यहाँ पे एक्स जीरो से स्टार्ट नहीं किया फ्रेंड्स, तो हम एक्स जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको, जो हमने फॉर्मूले पढ़े होते हैं उसमें एक्स जीरो से स्टार्ट किया, तो एक्स जीरो, इसको हम एक्स वन दे लेते हैं, इसको एक्स टू दे लेते हैं, इसे एक्स थ्री, तो ये जाएगा जो हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या था, फंक्शन एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू एंड एक्स माइनस एक्स थ्री। फ्रेंड्स यहाँ तो थ्री वे थ्री ही है, तो हमें एक्स एन जो एन बराबर है वो थ्री है, लेस तो यहाँ तक जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स थ्री एंड एफ एक्स जीरो प्लस। इसी तरह यहाँ पे अगली टर्म जो आएगी, अगली टर्म आएगी वो आएगी अपने पास एक्स माइनस एक्स वन, सॉरी एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री, ये आइए फ्रेंड्स, और एफ एक्स वन प्लस। इसी तरह चलते हुए लास्ट टर्म भी इसी तरह आएगी, लास्ट टर्म आएगी अपने पास वो आएगी एक्स माइनस एक्स जीरो, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स उस टर्म को एफ एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस सॉरी एक्स फोर, एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन एक्स माइनस एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो, एक्स थ्री माइनस एक्स वन एंड एक्स थ्री माइनस एक्स टू और एफ एक्स थ्री आएगा, ये आएगा हमारे पास फ्रेंड्स फॉर्मूला। अब उसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आएंगे, वैल्यू पुट करें एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन क्या है थ्री, एक्स माइनस थ्री ये हो जाएगा एक्स एक्स वन क्या है, एक्स वन हमारे हमारे पास है फ्रेंड्स यहाँ पे ये जीरो, सॉरी ये वन, ये टू, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चेंज करना था, ये थ्री, ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स जीरो बराबर, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन अपॉन, ये हो जाएगा थ्री माइनस टू, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वन और एफ एक्स जीरो क्या है थ्री इंटू थ्री प्लस एक्स माइनस, अब इसमें पुट करेंगे तो एक्स जीरो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस अब इस टर्म को छोड़ देना है हमें, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस थ्री, टू माइनस वन, टू प्लस वन एंड टू, फंक्शन की वैल्यू क्या है ट्वेल्व, ट्वेल्व ही आ गया फ्रेंड्स। आगे फिर हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन अपॉन माइनस वन माइनस थ्री, वन माइनस टू, वन प्लस वन इंटू फिफ्टीन प्लस एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस वन इंटू माइनस ट्वेंटी वन। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा, यहाँ तो आएगा अपने पास वन, यहाँ आएगा अपने पास टू इंटू फोर, तो ये हो गया हमारे पास वन अपॉन एट हो जाएगा ये फ्रेंड्स, और साथ में थ्री का मल्टीप्लाई है तो थ्री बाई एट, और साथ में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। इस तरह फिर इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के साइन के साथ फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। अगली टर्म इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा फिफ्टीन अपॉन फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, और जो लास्ट टर्म आएगी वो आएगी हमारे पास सेवन अपॉन एट एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एलेवन एक्स माइनस सिक्स।
अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, फंक्शन आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। अब फ्रेंड्स ये वो फंक्शन है जिसमें हमने वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी ये वैल्यू इस पर पुट करने पे आई थी, ये हमने फंक्शन निकाल लिया जो कि इसका सॉल्यूशन है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है बाय मीन्स ऑफ लैग्रांज फार्मूला प्रूव दैट, ये हमारे पास एक प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। फर्स्ट है जो ये हमारे पास वाई जीरो इक्वल टू वन बाई टू वाई वन माइनस वाई वाई वन प्लस वाई माइनस वन और माइनस वन बाई एट वन बाई टू स्मॉल क्वेश्चन वन बाई थ्री माइनस वाई वन सॉरी वाई माइ वाई थ्री माइनस वाई वन माइनस वन बाई टू वाई माइनस वन माइनस वाई माइनस थ्री, और ये अपने पास वाई वन इक्वल टू वाई थ्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री इंटू वाई फाइव माइनस वाई माइनस थ्री प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू वाई माइनस थ्री माइनस वाई माइनस फाइव, ये हो गया। और वाई थ्री बराबर इस थर्ड है वाई थ्री बराबर जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंटू वाई जीरो प्लस वाई सिक्स माइनस जीरो पॉइंट थ्री वाई वन प्लस वाई फाइव प्लस जीरो पॉइंट सेवन वाई टू प्लस वाई फोर, ये हमारे पास प्रूव करना है फ्रेंड्स। तो पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले ए को प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर एक्स बराबर वन है तो वाई ये एक्स है और यहाँ वाई है कोई फंक्शन है, तो एक्स बराबर वन पे हमारे पास वैल्यू क्या है इसकी वाई वन, एक्स बराबर माइनस वन पे क्या है वैल्यू इसकी सो माइनस वन पे माइनस वन लेते हैं, क्रम वाइज लेते हैं फ्रेंड्स इसको, तो क्रम वाइज लिखने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये हो जाता है एक्स, क्रम वाइज लिखने की जरूरत नहीं है मैं लिख रहा हूँ उसको वाई माइनस थ्री पर इसकी वाई माइनस वन माइनस थ्री सॉरी माइनस वन पर इसकी वाई माइनस वन वन पर वाई इक्वल टू वन पे एक्स इक्वल टू वन पे वाई वन एंड थ्री पे वाई थ्री, इस तरह फ्रेंड्स हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। अब जब हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है तो हम जो फॉर्मूला होता है फंक्शन उसका, तो वो क्या होता है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स जीरो सॉरी एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स जीरो माइनस एक्स एन एफ एक्स जीरो प्लस चलता वो जो लास्ट टर्म होती है वो होती है एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स एन माइनस एक्स जीरो एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन डॉट डॉट चलते हुए एक्स एन माइनस वन एंड एफ एक्स एन, ये होता है फ्रेंड्स। तो हमें यही वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये वाई जीरो वाई ये फंक्शन हमें जीरो पर पूछा गया है, तो जीरो पे वाई जीरो वैल्यू होगी, तो वाई जीरो इक्वल टू यानी हमारे पास एक्स जो दिया हुआ है जीरो दिया हुआ है, तो अब ये वैल्यू पुट करनी है हमें, तो यहाँ पे आ जाएगी अपने पास जीरो माइनस जीरो माइनस माइनस वन हो जाएगा, तो जीरो प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस वन, ये अगली टर्म में जीरो माइनस वन एंड जीरो माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री माइनस वन, हम फिर से वैल्यू सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस थ्री जीरो माइनस वन जीरो माइनस थ्री अपॉन माइनस वन प्लस थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री, ये हो जाएगा वाई माइनस वन प्लस ये हो जाएगा फ्रेंड जीरो प्लस थ्री जीरो प्लस वन, ये हो जाएगा जीरो माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री वन प्लस वन एंड वन माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस थ्री वन प्लस जीरो जीरो माइनस वन अपॉन थ्री प्लस थ्री थ्री प्लस वन थ्री माइनस वन, और यहाँ पे जो फ्रेंड्स वैल्यू थी वो बाई वन और यहाँ पे बाई थ्री, ये आ गया फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा वन अपॉन सिक्सटीन माइनस का वाई माइनस थ्री, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस नाइन अपॉन सिक्सटीन वाई माइनस वन
प्लस ये इसको सॉल्व करते हुए जाएगा 9/16 y1 और लास्ट को सॉल्व करते हैं फिर तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/16 y3। अब फिर हमें प्रूफ क्या करना है, y1 एंड y-1 दोनों को एक साथ लेना है, तो उसको एक साथ लेने के लिए हमें क्या करना है, y1 एंड y-1 दोनों को एक साथ लेना है। तो इसको लेने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, और साथ में क्या लेना है, 1/2 भी लेना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 y1 प्लस y-1, ये लिख दिया फ्रेंड्स, माइनस ये 1/2 हो गया, इसमें से 1/2 हमने आउटसाइड कर लिया, इसमें से अगर इसमें से 1/2 माइनस कर दें तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं इसमें -1/2 किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, 9 - 8 तो 1/2 ये हो जाएगा, 1/16 रह जाएगा। तो ये जाएगा 1/16 y3 - y1 -y-1 - y-3 जो कि हमारे पास ये आ जाएगा y1 प्लस y-1 - 1/8 इसमें से कॉमन ले लिया और 1/2 को अंदर ही छोड़ दिया फ्रेंड्स हमने, तो जाएगा 1/2 y3 - y1 -1/2 y-1 - y-3 ये हो जाएगा जो कि हमें प्रूव करना था। अब फिर इसी तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं y1 जहाँ पे हमें 3 x/3 पे वैल्यू दी हुई है, 5 पे दी हुई है, -3 पे दी हुई है और y1 पे निकालना, तो यही फॉर्मूला हमें पुट करना है। इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।